मासिक धर्म स्त्राव क्या होता है, व्हाट आर द फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम ऐसा होता है कि आपको फटीग होगा, आपको थकान। दूसरा, हम अपने हेल्थ को कैसे ठीक रख सकते हैं, तो आप अपनी मेंस्ट्रुअल हेल्थ को हाइजीन प्रॉपर रख सकते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो इस दुनिया की आधी पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, और हिंदी में अगर कहूं तो मासिक धर्म स्त्राव इसको कहते हैं। हम जानेंगे कि ये किस तरह से काम करता है, ये कैसा होता है। इस वीडियो में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आखिर तक वीडियो जरूर देखें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, यानी कि मासिक धर्म स्त्राव क्या होता है। ह्यूमन फीमेल की बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन लगभग चलता है ऑन एन एवरेज, और लोग हिचकिचाते हैं इस बात को करने के लिए, मगर फीमेल की बॉडी में ये होना ही होना है। प्यूबर्टी जब फीमेल को आती है, यानी कि 11 से ऊपर साल में, 12 साल के बाद, और जब तक मेनोपॉज नहीं होता, मतलब जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलना ही चल रहा है, तो फीमेल की बॉडी क्या करती है, एग रिलीज करती है उसकी ओवरी से, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, और ये चेंजेस 28 दिन के साइकिल में कंपाइल करके मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, और हमें इसके बारे में खुल के बात करनी चाहिए। दोस्तों, आगे हम जानेंगे व्हाट आर द फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि 28 दिन का एक पीरियड होता है, उसमें चार फेजेस होते हैं। पहला फेज जो है उसको मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज उस फेज को बोलते हैं जब फीमेल की बॉडी के उसकी योनि से, यानी कि उसके वेजाइना से ब्लड ऊज आउट होता है, क्योंकि उसके यूट्रस की जो वॉल है वो डिग्रेड होती है। तो ये 1 से 5 दिन तक चल सकता है। जो दूसरा पार्ट है, दैट इज द फॉलिकुलर फेज, और फॉलिकुलर फेज जो है 5 दिन से लेके 13 दिन तक चलता है। इसमें क्या होता है, फीमेल की ओवरी के अंदर जहां से कि एग्स निकलने हैं, वहां छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, वो फॉलिकल जो है वो मैच्योर होके एग बनना है, और वो एग जो है उसके बाद रिलीज होना। तो अगला जो फेज आता है उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन फेज यानी कि ऐसा एक फेज जहां पे एग रिलीज होना है ओवरी से, और ओवरी से रिलीज होके ये आने वाला है यूट्रस में फेलोपियन ट्यूब के थ्रू। तो ओवरी से रिलीज होके ये फेलोपियन ट्यूब में आएगा सबसे पहले, और फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होती है। मेल के द्वारा जो इजेकुलेट किए गए स्पर्म्स है ये फेलोपियन ट्यूब में आते हैं, और ओवरी से एग आता है, और ये दोनों वहां पे फर्टिलाइज यानी कि मिक्स करते हैं, जिसके बाद एक जाइगोट बनता है। जाइगोट मोल्ड होते होते आगे पहुंचता है और फाइनली यूट्रस में चिपक जाता है, और फिर ये पीरियड जो है 9 महीने तक चलता रहता है। और बहरहाल इसका चौथा जो फेज है उसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज यानी कि लास्ट फेज है, जो कि 15 दिन से 28 दिन के बीच में चलता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, तो जो यूट्रस की जो वॉल है वो डिग्रेड होना थोड़ा स्टार्ट हो जाती है। फोर्थ फेज है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज एक ऐसा फेज है जहां पे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है फेलोपियन ट्यूब में, तो हार्मोन का लेवल गिरने लग जाता है और यूट्रस की जो वॉल है वो टूटने लग जाती है, और फिर हम फिर से पहले फेज में ये साइकिल रिपीट, पहले फेज में आते हैं जिसमें जिसको मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं, और ये साइकिल रिपीट होता रहता है ऑन एन एवरेज 28 दिन का। अब हम जानते हैं तीसरा पार्ट कि कौन कौन से हार्मोन है जो कि इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हार्मोन होते क्या हैं। आपकी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल सिक्रेट होते हैं जो कि आपकी बॉडी को रेगुलेट करते हैं। तो 2 सेक्सुअल हार्मोन है फीमेल की बॉडी में जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहला है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन क्या करता है, ईस्ट्रोजन का जो लेवल है जब फॉलिकुलर फेज होता है तब उसका लेवल काफी हाई होता है। उसमें क्या होता है, वो यूट्रस की वॉल को थिकन करने में हेल्प करता है। और दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। अब प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ये यूट्रस की वॉल को प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए। अब हम जानते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हम जानेंगे कि कौन कौन से सिम्टम्स है जिससे हमको पता चला है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होने वाला है। तो पहला ये सिम्टम है कि आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प आने वाले हैं। आपकी यूट्रस में आपकी बैली के थोड़ा नीचे साइड को आपको क्रैम्प आने वाले हैं, तो पहला तो ये साइन है।
दूसरा साइन आपके जो मूड है वो उसको वो स्विंग होने लग जाएगा, क्योंकि वो न्यूरोट्रांसमीटर के साथ आपका मूड स्विंग करवाता है। और तीसरा है प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम ऐसा होता है कि आपको फैटीग होगा, आपको थकान होगी, आपका मन नहीं कहीं लगेगा, आपको वीकनेस फील हो सकती है और आपको थकान हो सकती है। ये कुछ है सिम्टम्स हैं जो कि प्रीमेंस्ट्रुअल फेज में, प्रीमेंस्ट्रुअल के दौरान होते हैं, मतलब आपका जब मेंस्ट्रुएशन होने वाला है उससे पहले। पांचवी हम चीज जानने वाले हैं इसमें कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, कैसे हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो फर्टिलिटी ह्यूमन फीमेल में होने वाली है नहीं होने वाली है, ये हमारे मेंस्ट्रुअल फेज से ही पता, मेंस्ट्रुअल साइकिल से ही पता चलता है। दूसरा, हम अपनी हेल्थ को कैसे ठीक रख सकते हैं ये भी हमें इससे पता चलता है। आखिर में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे आप मैनेज कर सकते हैं अपनी मेंस्ट्रुअल हेल्थ को। तो आप अपनी मेंस्ट्रुअल हेल्थ को हाइजीन प्रॉपर रख सकते हैं और साफ सफाई रख सकते हैं। उसके लिए आज की टाइम में आप हॉस्पिटल में जाके फ्री में सैनिटरी पैड बांटे जाते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में बात करें, अपने घर घर में बात करें। स्कूल में आजकल फ्री एजुकेशन दी जाती है, उसके थ्रू